हम ये चाहते हैं कि हकीकत लोगों के सामने आए। ये फिरका परस्ती के नाम पर जो बहकाने वाले लोग हैं उन्होंने गलत प्रोपेगंडा किया है। फिरका परस्ती दरअसल अगर कहीं है तो कांग्रेस के अंदर है, वो नेहरू खानदान के अंदर है, वो नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सारे फिरका परस्त थे, आज भी वही फिरका परस्ती पड़ रही है। भाजपा से हमें बहुत उम्मीद है और जब से हमने भाजपा जुड़े हैं हमारे लिए बहुत काम किए, अटल जी ने इतना काम किया और आज हम बहुत खुश हैं बीजेपी में आने के बाद। कांग्रेस से तो बहुत उम्मीद है भाजपा में हम लोगों को, और उन्होंने मुसलमान भाजपा तो कांग्रेस तो हमको हमेशा यूज करी पर बीजेपी हमको हर क्षेत्र में बढ़ाई, आज हमारे हर क्षेत्र में योगदान बहुत है बीजेपी का। बीजेपी अनुशासित पार्टी है और इसके सारे नियम काम करने के तरीके बहुत ही अच्छे हैं और इससे हम बहुत प्रभावित होके ही बीजेपी में हैं। नरेंद्र मोदी के लिए योगदान तमाम मुसलमान कर रहे हैं, जो लोग समझ गए हैं इस बात को कि फिरका परस्ती फैलाने वाली पार्टियां जो हैं वो गुमराह कर रही हैं मुसलमानों को, वो सब के सब आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हमारा उनका योगदान रहेगा कि पूरी जितनी मुस्लिम जाति है हम सबको एक इकट्ठा करके सब वोट नरेंद्र मोदी भाई को गिराएंगे। जो कांग्रेस है ये मुसलमानों के साथ आज तक इन अत्याचार करे हैं, हमें भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं। राजस्थान में जैसे कि हमारी जब भी सरकारें होती हैं तो जितना हम वोट भाजपा को देते हैं उससे ज्यादा वो हमें देती है, तो पिछली बार जब अटल जी की सरकार थी तब भी कोई पक्षपात भेदभाव कुछ नहीं किया गया था, मुसलमानों को भी बराबर का दर्जा और बराबर की सहूलियत और बराबर के हक दिए गए थे। यही हमारी भाजपा से उम्मीदें हैं कि इस बार भी भाई नरेंद्र मोदी की क्यादत में हमें वही हक और अधिकार मिलेंगे जिस तरह गुजरात में मुसलमान हिंदुओं के बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उसी तरह पूरे देश में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। कांग्रेस ने जो एक गलतफहमी एक हमारे समाज में फैला रखी है कि बीजेपी आएगी तो मुस्लिम जाएंगे, इस गलतफहमी को खत्म करना और ये जो हमारा मिशन है लोकसभा चुनाव का इसको पूरा करके प्रधानमंत्री जी के रूप में हम मोदी जी को देखना चाहेंगे और इस मिशन को तभी पूरा कर सकेंगे जो गलतफहमियां है हमारे समाज में उसको दूर करना और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना, ये हमारा मिशन है और इसी मिशन को लेने के लिए हम सब भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहन भाई एकत्रित हुए हैं कि हमारे मिशन में हम लोग कैसे काम करेंगे और उसको घर घर ढाणी में जाके गांव में शहरों में निगम स्तर में सब जगह पहुंचाया जाएगा, उसी की तैयारी के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और जहां तक उम्मीद की बात की जाती है वो उम्मीद तभी आएगी जब हम अपने भाई सबको मौका देंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारी कौम के लिए हमारे मुल्क के लिए वो कितना कर सकते हैं और करना चाहेंगे। हमारा जो है इस बार मुस्लिम समाज का योगदान भारतीय जनता पार्टी को हमारा इरादा है देने का और हम ये चाहते हैं कि देखिए आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, उन्होंने कहा है कि हम आपको आरक्षण देंगे, आरक्षण भी नहीं देते। और मैं तो इतना ज्यादा मतलब इन लोगों से खफा है हम लोग कि मुसलमानों को पंगू बनाया, मुसलमानों को ये कहा हम आरक्षण देंगे। आज जितने भी ऐब मैं देखती हूँ मुस्लिम समाज जितना पिछड़ गया है वो सब ड्यू टू कांग्रेस है, कांग्रेस की वजह से। मैं ये चाहती हूँ देखिए जब तक